नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। महिला की हत्या कर मंदिर के पास फेंका शव। सोनीपत के बिदलान में शादीशुदा थी मृतिका, पति और भांजे पर मर्डर की FIR। हरियाणा के सोनीपत जिला के गांव बिदलान में विवाहिता रजनी और श्राद्धा की हत्या कर दी गई। मृतिका का शव गांव में शीतला माता मंदिर के पास पड़ा मिला। थाना खरकुदा पुलिस ने मामा कप्तान के बयान पर उसके पति के खिलाफ धारा 302/34 का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम के बाद वारसी घर वालों को सौंप दिया गया है। परिजनों को पंजाब से आए परिजन बताया गया है कि भटिंडा के रायपुरा फूल निवासी रजनी और श्राद्धा, उम्र 23 वर्ष की, शादी सोनीपत के गांव बिदलान में विजेंद्र उर्फ काला के साथ हुई थी। मंगलवार को उसके परिजनों को सूचना मिली कि रजनी की मौत हो गई है। रजनी की माँ मनदीप कौर इसके बाद हिसार के गाँव देवा मुकलान निवासी अपने भाई कप्तान और अन्य रिश्तेदारों को लेकर गांव बिदलान पहुंची। सूचना के बाद खरकुदा पुलिस भी मौके पर पहुंची तो गांव बिदलान के शीतला माता मंदिर के पास रजनी का शव पड़ा पाया गया और उस पर चोट के निशान थे। इन पर लगाए हत्या के आरोप। रजनी के मामा कप्तान ने पुलिस को शिकायत दी है कि और आरोप शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या उसके पति विजेंद्र उर्फ काला ने की है। साथ ही परिजनों ने विजेंद्र की भांजी जो कि गांव गिज्जी में शादीशुदा है उस पर भी रजनी की हत्या में शामिल होने का शक जताया है। पुलिस ने घटनास्थल पर FSL के साथ वारदात से जुड़े सबूत जुटाए हैं। दो पर हत्या का केस दर्ज। थाना खरखुदा के SI अरुण कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि शीतला माता मंदिर के पास एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतका की पहचान के बाद उसके परिजनों को वारदात के बारे में सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत अस्पताल भिजवाया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मृतका रजनी के पति बिजेंद्र उर्फ काला और उसकी भांजी पूजा के खिलाफ धारा 302/34 के तहत हत्या का केस दर्ज किया है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।